सरकारी स्कूली हालात किसी से छिपे नहीं हैं। कभी शिक्षा को, कभी शिक्षक और कभी सुविधाओं को लेकर अक्सर स्कूल चर्चा में रहते हैं, लेकिन भीलवाड़ा जिले का एक सरकारी स्कूल इन दिनों देश में आदर्श बना हुआ है। आलम यह है कि पीएम मोदी भी इसके मुरीद है। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। कक्षा एक में करीब 50 से ज्यादा विद्यार्थी, फर्राटेदार इंग्लिश में बोलते टीचर और उसी स्पीड में कॉपी में नोट करते विद्यार्थी। इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में उभर रहा होगा कि ये कोई निजी स्कूल है, तो आपको गलत साबित करता है ये स्कूल। भीलवाड़ा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग, 2000 से अधिक नामांकन वाला यह स्कूल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में सरकारी स्कूल के लिए एक मिसाल बन गया है। स्कूल के 75वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेटर लिखकर शुभाशीष दिया है। ये संभवतः पहला विद्यालय है जहां पर हमने इस वर्ष कक्षा 9 से एवं कक्षा 11 में अंग्रेजी माध्यम से बायोलॉजी और मैथमेटिक्स क्लासेस शुरू की है। अगर ये निजी विद्यालय पढ़ते तो इनके विभागों के लगभग 30 लाख रूपए खर्च होते। देश में शिक्षा और सरकारी स्कूल हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहते हैं। सरकारी स्कूल में नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार प्रवेश उत्सव, अपना बच्चा अपना स्कूल, आओ स्कूल चले हम जैसे अभियान चला रही है। लेकिन ये संभाग का इकलौता ऐसा स्कूल है जहां इस साल कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए अंग्रेजी माध्यम शुरू हुआ है। मूल उद्देश्य जो था इस विद्यालय में इंग्लिश मीडियम को खोलने का, वो यही था कि जो बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जो बड़े स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो कम फीस में एक बेहतर शिक्षा यहाँ से प्राप्त करें। इस स्कूल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस स्कूल में सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपतियों के बच्चों ने दाखिला लिया है। मेरे को यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिल रही है और सारे टीचर्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से समझाने भी आते हैं, समझने भी आता है, और रेट्स भी एक बढ़िया लेवल पे चलते हैं। इनमें कोई ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं दूसरे स्कूल से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा 1% नहीं लगता। निजी स्कूल छोड़कर सरकारी का दामन थामने वाले बच्चों ने यहाँ की शिक्षा की तारीफ की है। अब मेरिट के साथ ही खेलकूद में भी यहाँ के बच्चे जिले के साथ ही प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ पे 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ पढ़ाई थोड़ी कम और स्लो चल रहे हैं, लेकिन एक एक टॉपिक क्लियर कराते जो हमारा बूस्ट लेयर जो हमें नीट या IIT क्लियर करनी है उसमें हमको बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। अगर प्रदेश के सभी स्कूल अपना और शिक्षा का स्तर सुधार लें तो शायद सरकार को नामांकन बढ़ाने के लिए अभियान चलाने की जरूरत ना पड़े। 2072 विद्यार्थियों का हुआ नामांकन, निजी स्कूल से विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं सरकारी विद्यालय में। फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मुरली मनोहर सेन के साथ सोमदत्त त्रिपाठी, भीलवाड़ा।